हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ एक दो नोटिस रिलीज़ किए गए थे, लेकिन जिनमें से एक ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आप लोगों के एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को फुल और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर ले जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये हमारा वो नोटिस है और इस नोटिस पे जो डेट है वो 3/7/2021 लिखी हुई है, लेकिन ये नोटिस कल CCS यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया था, परसों नहीं किया गया था, ठीक है। और ये नोटिस बीएड कोर्स से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि बीएड द्वितीय वर्ष 2021 मुख्य बैक भूतपूर्व छात्रों की परीक्षा हेतु बनाए गए परीक्षा केंद्रों की सूची आपको इस आशय के साथ प्रदान की जा रही है कि समस्त संबंधित छात्रों को व्यापक रूप से सूचित करना व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक तैयारी पर परीक्षा को सुचारू व सुचितापूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करें। मतलब कि ये जो नोटिस है वो बीएड के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट से रिलेटेड है। तो चलिए हम वो लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ से हमारी एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर मेन पेपर एक्स और बैक्स सबके लिए ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे मेरठ से स्टार्ट किया गया है, ये आप लोगों के कॉलेज हैं और ये आप लोगों के एग्जाम सेंटर वाले कॉलेज हैं जहाँ पर आप लोगों को जाकर पेपर देना है, ठीक है। ये आप लोगों के कॉलेज का कोड है। यहाँ पे गाइस डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे कॉलेजेस के बारे में बताया हुआ है, मतलब आप लोगों को अपने कॉलेज को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये देखना है कि आपका कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है और फिर उस वाली लिस्ट में जाकर आप ढूंढ सकते हो। मेरठ के जितने भी कॉलेज है वो सारे इसी लिस्ट में हैं, ठीक है। मेरठ वाली लिस्ट खत्म होने के बाद फिर गाजियाबाद की लिस्ट आएगी। देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये यहाँ से गाजियाबाद के कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। अब जितने भी गाजियाबाद के कॉलेज हैं उन सारे स्टूडेंट को यही उनके कॉलेज का सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। और ये गाजियाबाद से रिलेटेड 2 से 3, हाँ 3 पेज है गाजियाबाद के। उसके बाद ये बुलंदशहर के आ गए हैं, बुलंदशहर के जितने भी कॉलेज हैं उनके सारे ही एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर मिल जाएंगे। बुलंदशहर में 9 सेंटर बनाए गए हैं, 9। फिर आ जाता है हापुर, और हापुड़ की सिर्फ ये 4 कॉलेज ही सेंटर बनाए गए हैं, ये हापुड़ की एक ही लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आ गया नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जितने भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में कॉलेज हैं CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड, उन सबके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बच्चों को मिल जाएंगे। और नोएडा के अंदर इन्होंने 8 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला MB कॉलेज दादरी, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद है गवर्नमेंट PG कॉलेज चेतराम, एंड देन ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, उसके बाद IIMT और श्री द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज, उसके बाद कुमारी मायावती गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है। अब आ जाता है फिर बागपत के, बागपत में आप लोगों के कितने सेंटर बनाए गए हैं, 7 सेंटर बनाए गए हैं। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में आपके 3 ही सेंटर हैं, देखिए यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है शामली, शामली में आपके 2 सेंटर बने हैं। उसके बाद आ जाता है सहारनपुर, सहारनपुर में आपके 9 सेंटर बने हैं। गाइस, यहाँ पर आप लोगों की ये लिस्ट जो एग्जामिनेशन सेंटर की है वो फिनिश हो जाती है और ये 25 पेजों में लिस्ट है, मैंने सारे ही आप लोगों को दिखा दिए हैं। अगर आप लोगों को इस नोटिस की पिक्चर चाहिए तो आप लोगों को इंस्टा एंड फेसबुक के पेज पर मिल जाएंगी, उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पर आज यही एक नोटिस आया हुआ है जिसको मैंने आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस, इस वीडियो को अब हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।